हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने स्मार्टफोन से पिक्सल लैब ऐप यूज करके शादी का कार्ड कैसे बनाते हैं। बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि कैसे अपने स्मार्टफोन से पिक्सल लैब ऐप यूज करके शादी का कार्ड बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, पिक्सल लैब ऐप से शादी कार्ड बनाने के लिए पिक्सल लैब ऐप ओपन कर लेंगे और थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ओपन पीएलपी फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर फिर से पीएलपी फाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। अब हम उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे जिस फाइल में हमारा पीएलपी फाइल पहले से उपलब्ध है। पीएलपी फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और जब आप ओपन करेंगे तो पासवर्ड भी मांगेगा, तो पासवर्ड भी मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा ताकि हर चीज़ आपको जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, एक कवर का, एक अंदर का। यानी कि जब भी आप कार्ड ओपन करते होंगे, जब भी आपको शादी का कार्ड मिलता होगा तो एक कवर मिलता है और एक अंदर का मिलता है। तो सबसे पहले हम कवर का डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं पीएलपी फाइल वन सेलेक्ट करता हूँ, ओपन एंड एंड पे एड पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ मैं। फाइल एड होने के बाद जिस नाम को हम ऐड करना चाहते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डेट को यहाँ पे एडिट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लिए हैं डेट पे और यहाँ पे हम एडिट करते हैं डेट का नाम। डेट का नाम एडिट करने के बाद हम नेम एडिट करेंगे। तो यहाँ पे लड़का का मैं कार्ड बना रहा हूँ, तो सबसे पहले लड़का का नाम यहाँ पे एंटर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लड़का का नाम एडिट करता हूँ। उसके बाद आकांक्षी में आपको जिसका नाम ऐड करना है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आकांक्षी में हम चेंज करेंगे। हो गया है, नाम और डेट भी एडिट हो गया है। अब हम इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे क्वालिटी दिया है डिफ़ॉल्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे और वेरी हाई पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शादी कार्ड का कवर बन चुका है और सेव भी हो गया है। अब हम शादी के कार्ड का अंदर का कार्ड बनाएंगे। तो थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, ओपन पीएलपी फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद पीएलपी फाइल पे क्लिक करेंगे अगर यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर शादी कार्ड टू पे क्लिक करेंगे और ओपन एंड ऐड पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लोड लेने में, ठीक है, तो वेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, दो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा तभी आप पिक्सल लैब ऐप में शादी कार्ड बना पाएंगे। पहला, इस पीएलपी फाइल का पासवर्ड, और दूसरा कि पिक्सल लैब ऐप में कैसे सपोर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे शादी कार्ड का अंदर का कार्ड यहाँ पर ऐड हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नेम चेंज करेंगे, उसी तरह से जिस नेम को चेंज करना होगा उस पर हम टैप करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लड़का और लड़की का नाम चेंज कर दिया हूँ। यहाँ पे भी हम ध्यान देंगे, अगर आप लड़की का कार्ड बना रहे हैं तो सबसे पहले लड़की का नाम ऐड करेंगे और लड़का का नाम बाद में। अगर आप लड़का का कार्ड बना रहे हैं तो पहले लड़का का नाम ऐड करेंगे और उसके बाद लड़की का नाम यहाँ पर एडिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे वेदर जमाना क्या जाने क्या रस्म सगाई होती है। ठीक है, अगर इसमें कोई त्रुटि आपको लगती है तो इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है वैवाहिक कार्यक्रम किस किस तारीख को है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट एडिट करेंगे। तो यहाँ पे तिलक ऐड कर दिया हूँ, अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ विवाह का, तो इस पर भी डबल टैप करेंगे और उसके बाद इसको भी एडिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रतिभोज दिया है, तो आपका जो भी प्रतिभोज हो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं टाइम प्रतिभोज कब है। तो फ्रेंड्स, दूसरे कार्ड का ऊपर वाला पेज एडिट हो गया है। तो फ्रेंड्स, शादी कार्ड का पीएलपी फाइल डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके शादी कार्ड का पीएलपी फाइल डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद फाइल मैनेजर ओपन करेंगे और उसके बाद फाइल में जाने के बाद डाउनलोड फाइल ओपन कर लेंगे और शादी कार्ड यहाँ पर देखेंगे। शादी कार्ड मिलने के बाद उस पर एक बार टाइप करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, तो यहाँ पे पासवर्ड आपको 75 एंटर करना है, ओके पे क्लिक कर लेना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो शादी का पीएलपी फाइल है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाए। उसके बाद हम नीचे वाले पेज में एडिट करेंगे,
तो यहाँ पे आयुष्मान अर्जुन कुमार दिया है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ प्रक्रिया अपनाएंगे। अगर लड़की का बना रहे हैं तो सबसे पहले लड़की का नाम ऐड करेंगे और उसका डिटेल्स, और लड़का का बना रहे हैं तो सबसे पहले लड़का का नाम ऐड करेंगे और उसका डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं लड़का का बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लड़का का नाम एंटर करता हूँ मैं। तो यहाँ पे लड़का और लड़की का नाम एडिट हो गया है। अब हम इनके डिटेल्स को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे मैं सुपुत्र पे क्लिक करता हूँ, डबल टैप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट करेंगे। तो यहाँ पे लड़का का डिटेल्स ऐड हो गया है और इसका साइज हम देख लेंगे, अगर बड़ा छोटा करना चाहें तो कर भी सकते हैं, इस तरह से बढ़ा सकते हैं, और एडजस्ट करना हो राइट और लेफ्ट में तो आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लड़की का डिटेल्स एडिट करेंगे, तो यहाँ पे लड़की का डिटेल्स भी ऐड हो गया है और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा राइट हो गया था ज़्यादा। उसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे तीन कालम अभी बचा हुआ है, उसको हम एडिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, लड़की का डिटेल्स एडिट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे ऊपर वाले पेज में नीचे देखेंगे, सिकवा हमें मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा, हमारे दीदी की शादी में ज़रूर से आना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एडिट करना पड़ेगा। अगर आप लड़की का कार्ड बना रहे हैं तब तो चल जाएगा, और लड़का का कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, और ये लॉक है, ठीक है, तो इसको हमें अनलॉक करना पड़ेगा। उसके बाद इस पर हम टैप करेंगे और यहाँ पे नाम अगर चेंज करना चाहें तो नाम चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे लड़का का अगर कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे अंकल कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे। अगर नाम चेंज करना चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शादी का कार्ड बनाने के लिए पिक्सल लैब ऐप का ओल्ड वर्जन यूज़ करिएगा। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हैं पिक्सल लैब ऐप का, तो आप शादी कार्ड नहीं बना पाएंगे, पीएलपी फाइल सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको ओल्ड वर्जन ही डाउनलोड कर लेना है गूगल से। उसके बाद अब यहाँ पे बच गया है इस पीएलपी फाइल का पासवर्ड, तो वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत करिए, इसी वीडियो में मैं आपको पीएलपी फाइल का पासवर्ड भी बता दूँगा। अब यहाँ पर हम एडिट करेंगे, दर्शना अभिलाषी पे दर्शना अभिलाषी ऐड कर दिया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो गया है, तो इसको हम एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद स्वागतकर्ता दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको एडिट करेंगे, स्वागतकर्ता भी एडिट हो गया है। अब यहाँ पे बचा है आकांक्षी, तो इसे भी मैं एडिट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अपना नाम और ज़िला एंटर करने के बाद यहाँ पे आप अपना प्रदेश भी ऐड कर दीजिएगा और मोबाइल नंबर भी ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर बाद में ऐड कर दूँगा, वीडियो बना रहा हूँ इसलिए प्राइवेसी की वजह से मैं इतना ही नंबर ऐड किया हूँ। ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आकांक्षी भी ऐड हो गया। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए या आपको बीच में करना हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक आई, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पे लाइन जो बना है इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसको क्लिक करेंगे तो इधर लेफ्ट की तरफ से एक लाइन में हो जाएगा, अगर बीच वाले पर क्लिक करेंगे तो सभी अक्षर बीच में हो जाएंगे, और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तीसरे वाले में तो राइट की तरफ से सीधा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट की तरफ से सीधा कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमने जो एडिट किया है उसमें कोई त्रुटि है या नहीं, अगर त्रुटि है तो उसको हम फिर से एडिट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा कार्ड एडिट हो गया है। इसे सेव करने के लिए सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दिया है इस पर हम क्लिक करेंगे, और वेरी हाई पर क्लिक करेंगे या अल्ट्रा पे, तो अल्ट्रा पे क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा कार्ड है गैलरी में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पिक्सल लैब ऐप यूज़ करके शादी का कार्ड कैसे बनाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में भी क्लिक कर लें, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहें।